हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु की रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ किसी रेसिपी का वीडियो नहीं बल्कि एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बेकिंग के मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट नाम से रोज़ाना आते रहते हैं और हमें यानी कि बिगिनर्स को ये नहीं पता होता कि उनका क्या यूज़ है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि क्या वो प्रोडक्ट वेज है या नहीं है, उन्हें केक के अंदर यूज़ करना है या फिर केक की डेकोरेशन में यूज़ करना है, कौन सी ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो करनी है ताकि हम उन प्रोडक्ट्स का बेस्ट फ़ायदा उठा सकें। तो इन्हीं प्रोडक्ट से रिलेटेड आज मैं दो तरीके के जेल यानी कि ग्लेजिंग न्यूट्रल जेल और वनीला वाइट जेल के डिफरेंस का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि पहले तो आप इन दोनों के डिफरेंस को जान पाएँ और फिर अपने बजट को देखते हुए इन्हें परचेज करके अपनी बेकिंग में इनका फ़ायदा उठा पाएँ। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल सा ये वीडियो है, आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, इन दोनों जेल की डिटेल में आपके साथ मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, क्या इनकी कॉस्ट है, कहां पर ये मिलेगा और इन्हें कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे न्यूट्रल ग्लेजिंग जेल की। तो इसका पूरा नाम होता है ग्लेजिंग न्यूट्रल जेल, इसे पाइपिंग जेल भी कहा जाता है। मेरे पास ये ब्लॉसम कंपनी का है और ये टोटली वेज प्रोडक्ट है। इसको आप 1 लीटर की पैकिंग में ले सकते हैं, ये आपको 250 से 280 रुपीज़ की आराम से मिल जाएगा। आप इसे जहाँ पर केक बनाने का सामान मिलता है वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन वैसे तो इस बॉक्स के ऊपर लिखी रहती है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगी। फ्रेंड्स, ये जो न्यूट्रल जेल होता है इसका टेस्ट एकदम मीठा होता है, जैसे कि चीनी की चाशनी का होता है। इसके अंदर कोई भी फ्लेवर नहीं होता है। अंदर से अगर आप इसका टेक्सचर देखेंगे तो ये एकदम चीनी की चाशनी जैसे होती है, बिल्कुल वैसा ही ट्रांसपेरेंट सा होता है, एकदम जेल की तरह, जैसे कि हेयर जेल होते हैं, एलोवेरा जेल होता है, बिल्कुल वैसा ही। और थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है, इस तरीके की आप देख सकते हैं, मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ। तो एकदम ये स्टिकी जेल होता है। बेसिकली फ्रेंड्स, ये चीनी की चाशनी ही होती है जिसे चीनी और कॉर्नफ्लावर डाल करके बनाया जाता है, और इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट ऐड कर दिए जाते हैं जिससे कि इसका क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, यानी कि ये जमता नहीं है और काफ़ी लंबे समय तक ये इसी तरीके के स्टिकी जेल में बना रहता है। अब बात आती है इसका क्या यूज़ है। ये मीठा है तो क्या इसे केक के बैटर में हम चीनी की जगह यूज़ कर सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स, इसे आप केक के बैटर में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, इसे केवल केक की डेकोरेशन में ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया, ये एकदम फ्लेवर लेस होता है, यानी इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है, तो आप जिस भी फ्लेवर को इसमें ऐड करेंगे ये उसी का फ्लेवर देगा। आप इसके अंदर लिक्विड या फिर जेल कलर डाल करके इसे कलरफुल भी बना सकते हैं। इसके अंदर आप लिक्विड कलर की भी अगर 1 से 2 ड्रॉप डालेंगे तो वो भी डार्क शेड देगी, और जेल कलर की तो 1 ड्रॉप ही इसके अंदर काफ़ी रहती है। अब बात आती है इसका क्या यूज़ है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया, आप इसके अंदर 1 ड्रॉप लिक्विड या फिर जेल कलर डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर उसे पाइपिंग बैग में भर करके केक के ऊपर राइटिंग का काम कर सकते हैं, यानी कि अगर हम हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी अगर लिखना चाहें तो वो इससे लिख सकते हैं। इसी के साथ इसको अच्छे से मिक्स करके और उसमें 1 से 2 चम्मच अगर हम पानी मिला दें तो इससे हम अपने केक की साइड में ड्रिप्स बना सकते हैं, केक को कवर कर सकते हैं। अगर आप फोंडेंट से अपने केक को कवर नहीं करना चाहते और उसमें चाहते हैं अच्छी सी शाइन आ जाए, तो आप इस जेल से पूरे केक को कवर भी कर सकते हैं। अगर आप गनाश बनाते हैं और उसके अंदर इसका केवल 1 चम्मच उसमें ऐड कर देते हैं तो आपके गनाश में भी काफ़ी शाइन आ जाएगी और केक के ऊपर आपको एकदम मिरर ग्लेज इफेक्ट दिखेगा। बेसिकली केक की डेकोरेशन में यूज होने वाले किसी भी आइटम में अगर आप इसका 1 चम्मच मिला देंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी शाइन आ जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात ये है फ्रेंड्स कि ये केक की शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है, यानी कि अगर आप केक को इससे पूरी तरीके से कवर कर देंगे तो आपके केक का जो मॉइस्चर है वो अंदर ही लॉक हो जाएगा और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, वो काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। अगर आप फ्रूट केक बनाते हैं तो आपने देखा होगा हम डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स को कट करके केक के ऊपर डेकोरेशन में यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद हमारे फ्रूट्स जो होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, उनकी फ्रेशनेस चली जाती है। लेकिन वहीं अगर आप उन कटे हुए फ्रूट्स को इस जेल के अंदर डिप करके लगाएंगे तो एक तो उनमें अच्छी सी एक शाइन आ जाएगी और दूसरा वो लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे, उनका मॉइस्चर ये अंदर ही लॉक कर देगा और साथ ही उन्हें काला होने से भी बचा देगा।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस ग्लेजिंग जेल को आप केक की डेकोरेशन में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलाइए, दो कलर्स मिलाइए, बढ़िया सी शेडिंग कीजिए और शाइनी इफेक्ट अपने केक पर दे सकते हैं। जिन्हें मिरर ग्लेज वाला केक बनाना है वो भी इसके अंदर कलर डाल करके अपने केक को कवर करके उसे मिरर ग्लेज इफेक्ट दे सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया ये शुगर सिरप ही होता है, यानी कि चीनी की चाशनी ही होती है। तो आप चाहें तो इसे मार्केट से परचेज करें, नहीं तो आप इसे इजीली घर में भी बना सकते हैं। इसकी डिटेल में रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगी फ्रेंड्स कि अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको मेरी रेसिपी को वैसे ही फॉलो करना है, क्योंकि जरा भी गड़बड़ होने से ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा, चीनी जम जाएगी और फिर आपको ये ट्रांसपेरेंट न्यूट्रल जेल नहीं मिलेगा। तो रेसिपी को आप एकदम वैसे ही फॉलो कीजिएगा। तो ये तो बात हो गई हमारे न्यूट्रल ग्लेजिंग जेल की। चलिए अब बात करते हैं हम अपने व्हाइट वनीला जेल की। व्हाइट वनीला जेल, जिसे व्हाइट जेल या फिर कोल्ड ग्लेज भी कहते हैं, ये आपको आराम से केक बनाने का जहाँ सामान मिलता है वहाँ मिल जाएगा। आधा लीटर की पैकिंग का ये बॉक्स मुझे 215 रुपये में मिला। तो न्यूट्रल जेल के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। मेरे पास ये ट्रोपोलाइट ब्रांड का बॉक्स है। ये भी एक तरीके की चाशनी ही होती है, लेकिन दूधिया रंग की। इसे क्रीम, दूध, बटर और वाइट जेल कलर डाल करके बनाया जाता है। इसके अंदर फ्लेवर पहले से ही एडेड है, इसीलिए इसे वनीला वाइट जेल कहा जाता है। डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स का ये मार्केट में आता है, तो आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। और अगर आप इस वाइट वनीला जेल का टेक्सचर देखेंगे तो ये न्यूट्रल जेल की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होता, बल्कि एकदम वाइट कलर का जेल होता है, जैसे कि फेविकॉल वगैरह होता है, बिल्कुल इसका टेक्सचर वैसा ही है। ये थोड़ा सा स्टिकी कम होता है क्योंकि इसके अंदर बटर एडेड होता है। और जैसा मैंने बताया इसका टेस्ट मीठा होता है, इसके अंदर फ्लेवर पहले से ही एडेड है, लेकिन फिर भी आप इसे केक बनाने के बैटर में यूज़ नहीं कर सकते। इसको भी हम केक की डेकोरेशन में ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसको एज इट इज़ आप ले करके अगर पाइपिंग बैग में भर लेंगे तो आप किसी भी केक पर राइटिंग का काम कर सकते हैं। इसी के साथ आप किसी चॉकलेट केक पर, डोनट्स पर, पेस्ट्रीज पर ड्रिपिंग इफेक्ट दे सकते हैं वाइट कलर की ही, या फिर आप चाहें तो इसके अंदर भी जेल कलर या फिर लिक्विड कलर की कुछ ड्रॉप्स डाल करके इसको कलरफुल बना करके कलरफुल ड्रिपिंग भी दे सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी के हिसाब से, तो आप इससे पूरे केक को कवर कर सकते हैं जेल कलर डाल करके, कलरफुल जेल बना करके आप उससे भी अपने केक को कवर कर सकते हैं। ये भी फ्रेंड्स केक की फ्रेशनेस को बनाने में हेल्प करता है, यानी कि अगर आप इससे केक को कवर करेंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, उसके अंदर मॉइस्चर बना रहेगा, ये मॉइस्चर को लॉक करता है। आप डोनट्स पर, पेस्ट्रीज पर इसको पाइपिंग बैग में भर करके सुंदर सुंदर डेकोरेशन कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप कोई फ्रूट केक बना रहे हैं तो जैसे स्ट्रॉबेरी को आपने इसमें डिप कर लिया, उसके बाद आप कलरफुल चॉकलेट स्प्रिंकल करके उसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए इन जेल्स का आप अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की केक की डेकोरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इन दोनों जेल्स को हम अपनी केक की डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे ये दोनों ही जेल्स हमारी केक की ड्रिपिंग, केक को कवर करने में हेल्प करते हैं, तो हम दोनों जेल को क्यों खरीदें, क्यों ना एक ही जेल को खरीद लें। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं किसी भी ट्रांसपेरेंट बेस में अगर हम कलर डालेंगे तो उसका टेक्सचर, उसका शेड जो है वो अलग आएगा, और अगर हम किसी वाइट बेस में कलर ऐड करेंगे तो उसका टेक्सचर और उसकी शेड अलग आएगी। तो अपने टेक्सचर, अपनी केक की डेकोरेशन को देखते हुए आप इन दोनों जेल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हर चीज़ की अच्छाई के साथ कुछ बुराइयाँ भी जुड़ी होती हैं, जैसे कि आप इसे एक साल से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, उसके बाद इसका टेस्ट जो है वो बिगड़ जाता है। इसी के साथ अगर आपने इन जेल्स को यूज़ करके अपने केक को पूरी तरीके से कवर किया है तो आप 4 से 5 दिन तक तो उस केक को रख सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो ये जो जेल होते हैं वो क्लाउडी हो जाते हैं, साथ ही इनका टेस्ट भी बिगड़ जाता है, साथ ही केक की शाइन भी चली जाती है। तो ये था मेरा आज का न्यूट्रल जेल और वाइट वनीला जेल को लेकर के डिफरेंस वाला ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, इससे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और अब आप आसान तरीके से अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। इन दोनों के परचेज के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं, साथ ही न्यूट्रल जेल की रेसिपी का लिंक भी। तो जल्दी फ्रेंड्स इन दोनों जेल का इस्तेमाल करके इनसे डेकोरेट किए हुए केक्स की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगी आप सभी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।